हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं आज फिर से आपके लिए एक रोचक जानकारी वाला वीडियो लाया हूँ। आज हम जानेंगे कि कैसे एक सॉन्ग्स का नॉर्मल सॉन्ग्स का डीजे रीमिक्स बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने नाम का डीजे सॉन्ग कैसे बना सकते हैं। उसमें हमने एक वेबसाइट जिसका नाम साउंड ऑफ टेक्स्ट था, उसके थ्रू हमने एक डीजे का अपने नाम का डीजे बनाया था और उसको एक सॉन्ग के आगे ज्वाइन किया था। आज हम देखते हैं कि उस सॉन्ग को डीजे के रूप में कैसे बनाते हैं, उसको रिमिक्स कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग आसपास अपने सुनते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से एक ऑडियो फ्री लाइब्रेरी है, उसकी मैंने यहाँ से एक सॉन्ग डाउनलोड किया है। मैं उसको रिमिक्स करके दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, मेरे पास एक ये सॉफ्टवेयर है वर्चुअल डीजे नाम से, बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है और इसी के थ्रू हम आगे का प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे। चलिए देखते हैं कैसा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसकी वेबसाइट का नाम है virtualdj.com। ये आप देख सकते हैं, आप इसको यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये खोलने के बाद, ओपन करने के बाद यहाँ एक फॉर्म मिलेगा, इस पर क्लिक करके और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करता। आप इसको एज इट इज़ इंस्टॉल कर लीजिए और इसके लगभग सारे फीचर्स ही जो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे फीचर्स इसके अनलॉक्ड हैं। हमें इसको परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा इंटरफेस, जैसे ये मिक्सर है, वीडियो स्क्रैच, ये सब हमारे काफ़ी काम की चीज़ें हैं। यहाँ से भी हम जैसे लूप वगैरह हैं। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको एक बेसिक जानकारी जरूर दे देता हूँ। यहाँ से कई सारे वीडियो ऑडियो इफेक्ट्स हैं, यहाँ से आप कई सारे इफेक्ट डाल सकते हैं अपने वीडियो पे। यहाँ से आप बेस है, ये लो है, हाई, इसको आप ये हाई हो गया, ये लो हो गया, इस तरह से आप बेस भी हाई लो कर सकते हैं। ये डेक वन है और ये डेक टू है, ये डेक वन है और आपको यहाँ ये तो ऑडियो सिग्नल्स दिखाई पड़ेंगे। फ्रेंड्स, और मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो प्रोफेशनल लोगों के लिए ही है। तो चलिए देखते हैं सिंपल सा डीजे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आप इसको डायरेक्टली एक यहाँ से भी आप इसको लाइब्रेरी है ये सॉन्ग की, यहाँ से आप अपना सॉन्ग सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट भी प्ले कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो डायरेक्ट भी सॉन्ग ले करके ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक सॉन्ग ड्रॉप कर दिया है और वो सॉन्ग यहाँ पर लोड हो गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम रिमिक्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि हम इंटरफेस में कैसे अपना डीजे नेम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपना ये सैम्पलर सॉन्ग जो था, जो हमारा रियल सॉन्ग था, वो तो हमने ऐड कर दिया। अब हमें डीजे सॉन्ग जो हमने पिछली बार वीडियो में देखा था, जो हमारा डीजे नाम था, उसको कैसे इसमें ज्वाइन करते हैं। चलिए, हम अपना वो ऑडियो भी डेक टू में उसको भी लोड कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब डेक टू में हमारा डीजे नेम का जो सॉन्ग था वो हमारा लोड हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें इसको प्ले करना है। इसको प्ले करने के बाद हमें जिस भी टाइम पे चाहें उस टाइम पे हम इसको डीजे सॉन्ग भी अपना हम ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मास्टर है, हमें इसे मास्टर पे जाना है और मास्टर पे जाने के बाद ये रिकॉर्ड है, आप इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप रिकॉर्ड क्लिक करेंगे, ये आपके साउंड के लिए सर्च करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो इसके लिए आप जैसे ही आप सॉन्ग प्ले करेंगे, ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। चलिए प्ले करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपना सॉन्ग प्ले करते हैं, ये प्ले हो गया है और हम चाहें किसी जगह पर हम चाहते हैं हमें अपना डीजे सॉन्ग ऐड करना है, वहीं पर हम प्ले कर सकते हैं। डीजे राहुल, डीजे राहुल, डीजे सॉन्ग नेम है, उसमें बीच में या किसी भी समय जिस भी टाइम पर आप चाहते हैं डीजे राहुल, डीजे राहुल,
फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी सॉन्ग का डीजे रिमिक्स बना सकते हैं। आपके पास कई सारे इफेक्ट भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये जो करके आप देख सकते हैं, जैसे ये है और भी है। आप कोई भी सभी इफेक्ट कर सकते हैं इसमें। आप मनचाहा इफेक्ट डाल सकते हैं और रिमिक्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं साधारण सिंपल सा वीडियो है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसलिए इतना डीजे रिमिक्स बनाने के लिए इतना काफ़ी है। आप यहाँ से भी इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि देखिए लूप हो रहा है। आप इसको और भी कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसमें और कई सारे ऑप्शन हैं, आप इसको प्रैक्टिस से ही आएगा। आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको आता जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।